दीदी, आपने नेताजी के इवेंट का जिक्र किया, वहां पे जो हुआ उस पे कभी आपसे बात नहीं करने का मौका मिला, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वहां मंच पे बैठी थी, आप क्या देख रही थी जब आपने देखा कि नारे लगे जय श्री राम के, आपने नहीं, करीब वो नारा नहीं, और कुछ नारा था। आप उस वो एक ही को पकड़ा, लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष में नहीं देखा। पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का, उसका जन्मदिवस जब हो रहा था, तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, नेताजी और अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुए बार नेताजी, हुए बार इट मे बी, वी ऑलवेज वी हैव टू बी सबमिसिव। सबमिसिव तो नहीं है। ओ क्यों ऐसा ऐसा स्लोगान दिया, पार्टी का स्लोगान? गवर्नमेंट का प्रोग्राम में पार्टी का स्लोगान क्यों होगा? और पार्टी का स्लोगान दिया ऐसा स्लोगान कि जो स्लोगान में नेताजी को छोटा कर दिया। अब देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर का फोटो नीचे देता है और वो लोगों का फोटो ऊपर में देता है, पाए का सामने में रख देता है। और ये क्या है? ये क्या, कुछ जानकारी नहीं है? बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में। अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जोरासांको ठाकुर बाड़ी में। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लो। इतना ऑफिसर है, इतना प्रोफेसर है, इतना सब है, इडियोलॉजी का बात पे बात बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। अरे बात बताने का लोग नहीं है? स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया, दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं? जिसको पास कोई बोलने का ही कुछ नहीं है, जानता नहीं है। अगर जानता नहीं है तो जानकारी तो लेना चाहिए। जो भी माफी उल्टा पाल्टा बोल देता है, देखो हम अच्छा हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, इसी के लिए मेरे को हिंदी थोड़ा टूटी फाटी हो सकता है, आप माफी चाहती हूँ इसी के लिए पहले। लेकिन मेरे को पास जब जानकारी नहीं होता, हम पूछ लेता है, क्या ये बात ठीक है? ना ना, नहीं ठीक है। हम चलती भाषा में कहते हैं, जो बात में लोगों ने समझेगा कि हम तो पढ़ा नहीं है हिंदी, हम 8 तक पढ़ा है, हम लिख भी सकता है, हम पढ़ भी सकता है, लेकिन हम इतना अच्छा नहीं बोल सकता है। जो हिंदी में स्टडी किया है, जो उसको मदर टंग हिंदी है, वो अच्छा बोलेगा। हम तो इतना अच्छा नहीं बोल सकता है, लेकिन तब भी हम तो कोशिश करके बोल रहा हूँ। आप मेरे को उर्दू पूछिए हम बोल देगा, आप पंजाबी पूछिए हम बोल देगा, हम जो भी लैंग्वेज, गुजराती भी हम बोल देगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके, असामी भी बोल देगा, नागामीज भी बोल देगा कि हमने नॉर्थ ईस्टर्न बहुत घुमा है। अरे कॉन्क्लेव आपको ईस्टर्न रीजियन का है, 12 कंट्री, 12 जो स्टेट का है, और दिस इज द गेटवे, कलकत्ता इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन एंड ईस्टर्न रीजियन, एंड ऑल्सो इट इज द गेटवे ऑफ आपका साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, एंड इट इज द गेटवे ऑफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर यू आर डूइंग दिस कॉन्क्लेव।